मस्जिद में लगाया गया है। ये जो मस्जिद है, ये पानी, इस मस्जिद में पानी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बच्चे यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ से ये रोड गुजर रहा है। रोड से आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी प्रॉब्लम थी, जो यहाँ रुक के नमाज के लिए रुकते थे, पानी ना होने की सूरत में नमाज अदा नहीं कर सकते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाटर पम्प इस मस्जिद में सदका जारिया हमारी सिस्टर आसिया अंसारी फराम जू पे, उनके नाम का ये सदका जारिया इस मस्जिद में लगाया गया है। इन विलेज वालों के लिए, इन छोटे बच्चों की प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह आज दूर हो गई है। इस मस्जिद में पानी चालू हो गया है। दुआ है अल्लाह पाक आपका ये दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जैसा कि आपको पता है, पानी पिलाने से बढ़कर कोई सदका नहीं। पानी पिलाना बेहतरीन सदका जारिया है। पानी पिलाना बाद से मगफरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया जो होता है, इंशाल्लाह वो रोज़े क़ियामत बख्शिश का वसीला बनता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे विलेज वाले छोटे बच्चे, भाई बुज़ुर्ग मेरे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके लिए जो परेशानी का सबब बना हुआ था, पानी की तंगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के लिए पानी चालू हो गया है। सब मेरे ये बुज़ुर्ग भाई आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपका इसका, अल्लाह ताला आपको इसका रिवार्ड इस दुनिया में भी अता फरमाए और अगली दुनिया में भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो भाई जान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र भाई जान, माशाल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद के लिए, बच्चों के लिए वाटर पम्प लगा दिया गया है। आपकी मस्जिद का पानी चालू हो गया है। आप खुश हैं? ये आपकी बेटी, आपकी बेटी है आसिया अंसारी यूके से, उन्होंने ये इंतज़ाम किया है। उनका नाम, उनके नाम का ये सबका जारिया इस मस्जिद में लगवाया गया है। आपने जब यहाँ पर नमाज पढ़नी है, वुदू करना है, अपनी उस बेटी के लिए दुआ करो। सभी खुश हैं आप? पहले आप लोग वुदू कहाँ से करते थे? घर से करके आते थे बेटा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद का पानी चालू हो गया है, आप खुश हैं माशाल्लाह। तो अपनी बेटी के लिए भी दुआ मेरी जिंदगी है तेरी रजा।